दस विपत्ति। परमात्मा मूसा और हारून का चेता देन कि फिरौन हठी हो जाई। जब वो फिरौन के पास गए वो कहिन, इसराइल के परमात्मा ऐसा कहा था, मोरे मनई का जा दे। पर फिरौन उनखर नहीं सुनीस और इसराइलिन के जाए के लाने स्वतंत्र करे के बजाय उन्हीं और सतामा लगो और बनी मजदूरी करामा लगो। फिरौन ऊ मनई का जाते से लगीतार मना करत रहुआ। एक बजे से परमात्मा मिस्र में भयंकर दस विपत्ति भेजिन। इन विपत्ति के द्वारा परमात्मा फिरौन का दिखा दईन कि वह फिरौन और मिस्र के देवी देवतन से ज्यादा शक्तिशाली हब्बा। परमात्मा नील नदिया का खून में बदल दईन, पर फिरौन अभू भी इसराइलिन का नहीं जात दे रहुआ। फिर परमात्मा पूरा मिस्र में गुलरा भेजिन। फिरौन गुलरन का दूर करे के लाने मूसा से विनती करीस, पर सब गुलरा के मरे के बाद फिरौन अपन मन का कठोर कर लईस और इसराइलिन का मिस्र से नहीं जा दईस। एके बजे से परमात्मा कुटकिन के विपत्ति भेजिन। ओखे बाद वह डासन के विपत्ति भेजिन। फिरौन मूसा और हारून का बुला के कहिस कि तुम यह विपत्ति का रोक दईहा त तुम इसराइली मिस्र का छोड़ के जा सकते हा। फिर जब मूसा प्रार्थना करिस त परमात्मा मिस्र में से सब डासन का हटा देन। पर फिर भी फिरौन अपने मन का कठोर कर लेस और इसराइलिन का स्वतंत्र हो के जाय न दईस। एके बाद परमात्मा मिस्रिन के सब पालतू जानवरन का बीमार करके मर जाय देन। पर फिरौन के मन कठोर हो गया रहुआ और वह इसराइलिन का नहीं जान दईस। तब परमात्मा मूसा से हवा में राख फेंके के लाने कहिस, तब वह ऐसे ही करिस। तब मिस्री मन इनके चमड़ी में दर्दनाक फोड़ा निकल आओ, पर इसराइलिन का कुछ नहीं भा। परमात्मा फिरौन के मन का कठोर कर दईन और फिरौन इसराइलिन का स्वतंत्र हो के नहीं जान दईस। एके बाद परमात्मा ओला गिराइन और मिस्री के खूब हस फसल बर्बाद कर दईन और जौन को भी बाहर निकलो सबका मार डालिन। फिरौन मूसा और हारून का बुला के कहिस, मैं बहुत पाप करे हूँ, तुम जा सकते हैं। तब मूसा प्रार्थना करिस और ओला गिरा का बंद होएगा। पर फिरौन फिर से पाप करिस और अपने मन का कठोर कर लईस और इसराइलिन का नहीं जा दईस। तब परमात्मा मिस्र में टिड्डिन का आज्ञा दईन। ई टिड्डी उनका सबला फसल खा लईन, जही ओवार नाश नहीं कर रहुआ। फिर परमात्मा अंधियार कर दईन जौन तीन दिन और तीन रात रहो आओ। अंधियार इतना घोर रहुआ कि मिस्री मनई अपन घर से नहीं निकल पाइन, पर जहाँ इसराइली मनई राहत रहे हैं वहाँ उंजियार रहुआ। ई नौ विपत्तिन के बाद भी फिरौन इसराइली का जा दय से मना कर दईस। कहे से कि फिरौन नहीं सुनीस, एके कान परमात्मा एक ठे आखिरी विपत्ति का भेजा के योजना बनाइन या फिरौन के मन का बदल दई। निर्गमन अध्याय 5 से 10 से बाइबल की एक कहानी।